सो गाइस ये अपना अपार्टमेंट है, ऐसे कुछ दिखता है ये। और ये नीचे आप देख रहे हो बिल्डिंग के नीचे पार्किंग है, बैक साइड में भी पार्किंग है, और ये आगे लॉन एरिया है इसका। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 11:56 और ऑलमोस्ट मतलब 12 बजने ही वाले हैं। तो आज मैं थोड़ा सा लेट में उठा हूँ और एक्चुअली हाथ का जो दर्द है ना आज थोड़ा सा कम। तो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं दूंगा आपको अपना हाउस टूर। और एक्चुअली कनाडा में ना भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बढ़ चुके हैं, बहुत ही महंगाई हो चुकी है कनाडा के अंदर, और जिसमें ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो है लिविंग कॉस्ट। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:20 और वेदर आज फिर काफ़ी सही है, मतलब थोड़ी सी हवा चल रही है बट ठीक है, धूप अच्छी खासी है। एंड अभी मैं थोड़ा सा मार्केट तक जा रहा हूँ, पहले कुछ काम है वहाँ पर जाके दिखाऊँगा क्या काम है। डाउन टाउन 11th Avenue और यहाँ पे आने का ना भाई कोई फ़ायदा हुआ नहीं, आज स्टोर बंद है मतलब। तो ये दिखाता हूँ मैं कौन से स्टोर पे आया था। सामने आप देखे हो निकॉन सिग्मा लिखा हुआ था कैमरा स्टोर, तो मैं यहाँ पे आया था एक माइक लेने के लिए। वो स्टोर तो आज क्लोज है, संडे है ना, तो मुझे ध्यान नहीं आया, मतलब अभी 3-4 दिन हो गए भाई घर पे, तो पता ही नहीं चल रहा संडे मंडे का, तो अभी वापस चलते हैं। सो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30 एंड वापस आ चुका हूँ भाई मैं अभी डाउन टाउन से, मतलब तो कैमरा स्टोर तो बनता। तो अभी क्या करते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई अपना हाउस टूर। तो अभी मैं अपनी पार्किंग में खड़ा हूँ नीचे, तो बैक कमरे पे शिफ्ट करते हैं। सो गाइस ये अपना अपार्टमेंट है, ऐसे कुछ दिखता है ये। और ये नीचे आप देख रहे हो बिल्डिंग के नीचे पार्किंग है, बैक साइड में भी पार्किंग है, और ये आगे लॉन एरिया है इसका। ये डाउन टाउन सामने दिखता है बिल्कुल जस्ट यहाँ पे, ये स्कूल है पास में ही, ये जो वाइट और ब्राउन कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है। तो अभी अंदर का टूर ऊपर जाके देते हैं आपको। सो, यहाँ पे गाइस एंट्री गेट, एंड अगर आपके पास चाबी नहीं है तो पासवर्ड से खोल सकते हो इसमें, मतलब इंटरकॉम सिस्टम होता है, बट वो एक ही बंदे को मिलता है रूम में जिसके नाम से मतलब एग्रीमेंट बना होगा उसको ही मिलेगा वो। तो मेरे पास चाबी है तो चाबी से खोलते हैं। तो भाई फाइनली हम हो चुके हैं एंटर, और नीचे यहाँ पे एक लॉकर है जिसमें मतलब रूम के हिसाब से अगर कोई भी आपका बिल वगैरह या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लेटर वाइटर आता हो, ये नीचे यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये है फर्स्ट, और इसमें भाई लिफ्ट नहीं है, अगर लिफ्ट होती तो भाई ये हाथ में नहीं लगती मेरे। ये आ गया गाइस सेकंड फ्लोर, और ये अपना लास्ट मतलब थर्ड फ्लोर, और ये अपना रूम। तो भाई जब मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ, और ये एंट्री गेट है यहाँ से जहाँ से मैं भी अंदर हुआ था, और ये सामने से ऐसा कुछ दिखता है, ये हॉल है, और ये हॉल में मतलब मैं रहता हूँ अभी, क्योंकि इसमें दो रूम है, तो दो बंदे पहले से ऑलरेडी रहते हैं एंड वो लोग अभी सो रहे हैं अंदर। तो ये इस साइड में किचन है, ये गैस माइक्रोवेव फ्रिज वगैरह जो भी सारा इंक्लूडिंग होता है, जहाँ पर भी आप रेंट पर लेते हो ना अपार्टमेंट के अंदर, ये सारा आपको ऑलरेडी मिलता है साथ में, आपको बस अपने बर्तन वगैरह लेके आने पड़ते हैं। एंड फर्स्ट रूम इधर सामने है, और सेकंड रूम इधर है, ये कबाट इसमें कपड़े पड़े हुए अंदर, और ये सामने वॉशरूम है। तो ये है गाइस सारा सीन। सो गाइस ये था अपना रूम, एंड मतलब 2BHK इसको बोल सकते हो आप, 2BHK अपार्टमेंट। एंड बाकी यहाँ पे ना भाई हर घर के अंदर ना हीटिंग होती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये सब हीटिंग के लिए है। तो विंटर में क्या भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, तो इसलिए हीटर होते हैं। तो बाकी कहने का मतलब ये है कि हीटिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और इसलिए मतलब फील नहीं होता घर के अंदर। आप एक बार पहुँच गए तो आपको पता नहीं लगेगा बाहर -20-30 कितना चल रहा है, घर के अंदर ऐसा ही फील होता मतलब जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होगा बाहर, सब मतलब शॉर्ट्स में ही घूमते हुए घर के अंदर। अभी मैं अपने रूम से नीचे आ चुका हूँ थोड़ा सा बैक साइड में, और इससे आप लोगों को अपने आसपास की लोकेशन भी पता लग जाएगी। तो गाइस अभी बात करते हैं रेंट की। तो जब मैं दिसंबर में यहाँ पे आया था ना, तो अपना जो रेंट था वो था भाई $1200, और मार्च से नया एग्रीमेंट बना है तो अभी $400 बढ़ाए हैं उन्होंने। तो अभी जो अपना रेंट है ना वो है $1600, और प्लस मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का मिला के हो जाते हैं 1700 के आसपास, मतलब तो 1700 बोले तो भाई इंडियन मनी होता है 1700 के 102, मतलब 1,02,000 के आसपास। तो 2 बेडरूम का जो रेंट है ना भाई वो है 1,02,000 के आसपास। तो आप इससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितनी महंगाई हो गई है यहाँ पे। तो भाई ये तो था खाली रेंट का, और इसके अलावा ना बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, जैसे मेडिकल हो गया,
ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका फ़ोन बिल हो गया, आपकी ग्रोसरी हो गई, तो इन सभी पॉइंटों को फिर कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था ना, आप समझ गए होंगे। तो बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।